हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस शरारा ड्रेस का जो टॉप पार्ट है ना, उसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई हुई थी। सो आज हम इसकी जो शरारा है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल रही हूँ, आप जाके ज़रूर देखिएगा और पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा हमारा टॉप और बॉटम का मेजरमेंट। अब चलिए बॉटम के अकॉर्डिंग हम अपने ड्रेस की मीन्स शरारा की कटिंग करेंगे। तो मैंने फैब्रिक में से दो पीस कट करके रखा है। लेंथ वाइज इसे मैंने 9.5 इंच लिया हुआ है और अब हम इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इस मार्किंग को हम एक स्केल की हेल्प से इस तरह से मिला लेंगे। इसी में हम अपनी इलास्टिक ऐड करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। अब देखिए वेस्ट हमारा है 20 इंच, मीन्स उसका 4th हिस्सा होता है 5 इंच, और 5 में हम यहाँ पे 1.5 इंच ऐड करके 6.5 इंच हम ले रहे हैं वेस्ट के लिए, और हमारा क्रॉच एरिया के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 6.5 इंच। और इस तरह से एक कर्व शेप हमें यहाँ पे देना है और नीचे जो आपकी थाई की फिटिंग है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क लगा लें। यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। इस तरह से लाइन को मिला लेना है और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो ये हमारा जो पैंट वाला हिस्सा वो तो हो चुका है। नीचे का जो अब हमारा फ्रिल बनेगा ना, उसके लिए हमने सेम फैब्रिक लिया हुआ है और इतना लेना है जितना कि दोनों साइड में आपका अच्छा सा घेर आ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ ली हुई है 8 इंच की और टोटल 9 इंच की चौड़ाई है इसमें, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना ही आपको घेर देना हो। तो यहाँ पे मैंने दो पीस में से ले लिया है। अब चलिए अपनी जो पैंट वाला हिस्सा है उसे रेडी करते हैं। तो हमें सीधा साइड को अंदर रखते हुए उल्टे साइड पे हमें इस तरह से क्रॉच एरिया पे सिलाई करनी है दोनों साइड पे, बिल्कुल ही एक पैर का मार्जिन देते हुए इसकी सिलाई लगाएं। दोनों क्रॉच एरिया साइड को सिल लेने के बाद अब जो हमने वेस्ट लाइन की यहाँ पे एक मार्किंग की थी ना, जिसमें हम अपनी इलास्टिक लगाने वाले हैं, इसे हम इस तरह से नाखून के हेल्प से एक मार्क लगा लेंगे ताकि चारों ओर हमारा बराबर मार्किंग आए। और इसे हम इस तरह से उल्टे साइड पे पलटते हुए अब हम इसे में सिलाई लगाएंगे। 2 इंच लगभग इसमें मार्जिन छोड़ देना है ताकि हम अपने इलास्टिक को इसमें डाल सकें, और हल्का सा नीचे की ओर कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे गोलाई पे हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है इसमें और हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब पैंट तो हमारा रेडी हो चुका है, अब नीचे का जो फ्रिल है वो हम रेडी करते हैं। तो एक एक करके हमें फैब्रिक को लेना है और मैं यहाँ पे सुई की हेल्प से इस तरह से इसमें प्लीट्स रेडी कर रही हूँ। जितने हमने थाई का मार्जिन लिया है ना, उतना ही हमें ये फ्रिल रेडी करना है। तो इस तरह से आप एक बार ट्राई कीजिएगा, फ्रिल बनाना बहुत ही अच्छे से रेडी होता है, फ्रिल इजी वे में रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने फ्रिल तो बना लिया, अब एक बार हम इसे अपने पैंट में बैठा करके माप लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है, मीन्स थोड़ा सा हमारा कम हो रहा है फ्रिल। तो साइड से हम एक सिलाई यहाँ पे इस तरह से खोल देंगे तो अब ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब इसे हम लेना है और अपने पैंट के साथ इस तरह से हम बैठाते हुए इस फ्रिल को इस पर रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सो
सो एक साइड तो हमने इसमें रेडी कर लिया है फ्रिल, अब दूसरे साइड को भी हम ऐसे ही फ्रिल रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे फ्रिल लगा लिया है और अब हमें क्या करना है, इसे जो क्रॉच एरिया है ना वो हम सेंटर में करके दोनों साइड्स को मिलाएंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ भी हम बिल्कुल ही एक पैर का मार्जिन देते हुए पूरे को सिल लेते हैं। तो इसके बाद ये हमारा सिल चुका है और अब हम इसे नीचे की साइड को फोल्ड करके सिलना है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल ही हाफ इंच तक फोल्ड करेंगे और इस तरह से बैठाते हुए पूरी गोलाई को सिल लेंगे दोनों साइड के लिए। तो ये हमने दोनों साइड को सिल लिया, अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। अब हमें इसमें ये काफ़ी प्लेन है तो इसमें सेम हमने जो टॉप में गोटा पट्टी यूज़ किया था ना, तो पहले हम इसमें जो समोसे वाली लेस है वो ऐड करने वाले हैं सबसे नीचे की साइड पे। तो इस तरह से हमें नीचे की साइड पे समोसे वाली लेस को लगा लेनी है। तो एक लेयर हमने समोसे वाली लेस लगा ली, अब बिल्कुल ही इसी के ऊपर एक बार हम नॉर्मल जो ये गोटा पट्टी आती है वो लगाएंगे और ऐसा ही हम अपने दूसरे वाले पैर पे भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे गोटा पट्टी को लगा लिया है, अब हमें इसमें इलास्टिक लगानी है। तो हमारी जो वेस्ट है वो है 20 इंचेस का और मैंने यहाँ पे इलास्टिक लिया है 17.5 इंच का, मीन्स आपकी जितनी कमर है वहाँ से आप 2 से 3 इंच कम अपनी इलास्टिक ले लें। दोनों साइड पे मैं मार्क लगा ले रही हूँ और इसे पिन की हेल्प से इस तरह से जो मार्जिन हमने छोड़ा था ना वहीं से यहाँ पर इसे डालेंगे। इस तरह से हमें दूसरे साइड तक इसे निकाल लेना है और अब एक पे एक हम इसे रखेंगे और इस तरह से सिल लेंगे। तो हमने इलास्टिक को सिल लिया है और अब हम इलास्टिक को अंदर इस तरह से डाल लेंगे। अब जो मार्जिन हमने छोड़ा था ना उसकी भी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हमें अपनी सिर्फ कपड़े पे सिलाई लगानी है, इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से इसकी सिलाई कर लेने के बाद एक बार इलास्टिक को सही तरीके से बैठा लें, पूरे में बराबर कर लें। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको ये सरारा की कटिंग और स्टिचिंग बता दी और ये बनके यहाँ पे रेडी होता है। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक इसकी टॉप पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में मैं लिंक डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके भी देख सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। सो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।